एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा होममेड स्किन केयर, जो कि एक्चुअली में बहुत इफेक्टिव वर्क करता है। तो मैं दो फेस पैक और एक रूटीन काइंड ऑफ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं एक्चुअली में क्या क्या करती हूँ। वैसे मेरे काफ़ी डिफरेंट स्किन केयर रूटीन्स हैं, नाइट टाइम में अलग, मॉर्निंग में अलग, यू नो, इस तरीके से मैं फॉलो करती रहती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। पर कुछ दिन पहले मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यू नो, ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। इवन मेरे को ये मार्क जो है काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम से है, बट मैं अभी इसका ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ। बट उसके साथ साथ मैं होममेड स्किन केयर भी करती हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं अपनी बॉडी एंड स्किन के लिए क्या करती हूँ, क्योंकि एज यू कैन सी कि मेरी स्किन पहले से काफ़ी रिकवर हो चुकी है। और मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि सायमा आप क्या कर रहे हो, कैसे करते हो, क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो जिससे आपकी स्किन पहले से बेटर हो गई है, ड्यूई एंड ग्लोई हो गई है। सो बेसिकली इस वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ जो जो मैं कर लेती हूँ घर में, या जो बहुत ही ईजी स्टेप हैं, कुछ नहीं ऐसा बाहर का प्रोडक्ट है, घर के ही कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और घर के ही कुछ इन्ग्रीडियंट्स हैं। सो या अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, एक्चुअली में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी यार, अगर आप ट्राई करते हो इन प्रोडक्ट्स को या इन यू नो मेथड्स को, तो बहुत इफेक्टिवली वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल रहे, तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, दो बार करती हूँ मैं। सो मैं सबसे पहले अपना क्लिंजिंग करती हूँ। तो मैं क्लिंजिंग के लिए यहाँ पे सीटाफिल का जेंटल स्किन क्लिंजर ले रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से यू नो क्लीन कर देता है आपके फेस को। एंड क्लिंजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, हमेशा करनी चाहिए। आपका धूल, यू नो, डर्ट पोल्यूशन जो भी, बहुत अच्छे से निकल जाता। सो या तो मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ या काया का, या फिर मैं कभी कभी रॉ मिल्क भी क्लिंजिंग के लिए यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा होता है रॉ मिल्क आपके क्लिंजिंग के लिए, अप्लाई करके इवन आप फेस पैक पे की तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं दिन में दो बार ये स्टेप करती हूँ ताकि मेरी स्किन अच्छे से क्लीन रहे। और सेंसिटिव वाला इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन आजकल ज़्यादा ही सेंसिटिव मुझे लग रही है। सो सिंपली करने के बाद आई एम गोइंग टू वाइप ऑफ। तो एक वेट वाइप की हेल्प से इसको आपको निकाल देना है, तो जो भी डर्ट, यू नो, पॉल्यूशन या कोई भी इम्प्योरिटीज आपके फेस पे होंगी वो क्लीन हो। अब देख सकते हो कि फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज स्क्रब। तो डेली स्क्रब नहीं करती हूँ, बट स्क्रबिंग में करती हूँ ऑल्टरनेट डेज पे। और अगर आपको बहुत ही जेंटल स्क्रब चाहिए तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर। बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है स्क्रबिंग के लिए एंड फेस पैक के लिए। मैं इसका फेस पैक भी बनाती हूँ, बहुत थोड़ा सा लेना है, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि इतना इनफ है। और ये क्लिंजर मैं अपने हैंड्स पे भी यूज़ करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये राइस फ्लावर, जो बिल्कुल अलग निकाल के रखती हूँ। ये बहुत अच्छा स्क्रब का काम करता है, माइल्ड स्क्रब को और फेस पैक के लिए भी, इतना सा। एंड उसके बाद इसको सिंपली आपको मिक्स करना है दोनों को। देन इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ ड्रॉप्स पानी की, और इसको एक थिक पेस्ट जैसा बनाना है मुझे, थिन नहीं, क्योंकि मैं स्क्रब कर रही हूँ इसलिए मुझे थिक बनाना है, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी बन जाएगी। एंड देन इसको सिंपली अपने फेस, वेट फेस पे अप्लाई करूँगी मैं। तो मैं अपना फेस पहले वेट कर लेती हूँ। अब इसको हमें लेना है एंड और इसे मैं अपने हाथों पे भी अप्लाई करूंगी। बहुत अच्छा माइल्ड स्क्रब है ब्राइटनिंग के लिए, यू नो, आपके डार्क जो स्पॉट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि कॉफ़ी ब्राइटनिंग में बहुत हेल्पफुल है और राइस फ्लावर भी, दोनों इंग्रेडिएंट आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। ये बहुत जेंटल स्क्रब है, इसको लगाने के बाद आपको 1 से 2 मिनट अपने फेस पे, 5 मिनट तक भी अपने फेस पे रख सकते हैं, तो ये फेस पैक का काम भी करेगा। तो ये 2 in 1 है। तो अपने हाथों पे भी मैं इसे अप्लाई करके स्क्रब करूंगी, जो भी डेड सेल्स हैं, यू नो, डेड स्किन्स हैं, वो रिमूव हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका स्किन तुरंत, यू नो, एक ब्राइटनिंग इफेक्ट में आ जाता है। सो स्क्रब को 5 मिनट तक मैंने रखा है स्क्रब करने के बाद, एंड यू कैन सी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है होममेड स्किन केयर करने से। सो ओके, नेक्स्ट होता है, यू नो,
फेस पैक. तो मैं दो तरीके के, तीन तरीके के फेस पैक बनाती हूँ. कभी कभी मैं सिंपल कॉफ़ी एंड रॉ मिल्क को मिक्स करके अप्लाई करती हूँ, जिससे ब्राइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा आता है. या फिर मैं चावल, कॉफ़ी या फिर रॉ मिल्क को मिक्स करके, हल्दी मिक्स करके बनाती हूँ. मतलब मैं काफ़ी तरीके से फेस पैक बनाती हूँ. या फिर आप अगर ग्लो चाहते हो अपने फेस पे, बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है कि फेस पे ग्लो भी हो और उनको पिंपल्स प्रॉब्लम भी होते हैं वो भी हाइड हो जाए, स्किन ब्राइट भी हो जाए, तो उसके लिए आपको तीन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है. और सबसे पहला है ग्लो के लिए, अगर आपको चाहिए तो ग्लो के लिए हनी बहुत अच्छा होता है फेस पे, बहुत अच्छा ग्लो आता है, बहुत स्मूथ करता है फेस. एंड अगर आप चाहते हो कि पिंपल्स प्रॉब्लम भी दूर रहें तो उसके लिए एंटीबैक्टीरियल है आपका टर्मरिक, जो कि ब्राइटनिंग में बहुत हेल्पफुल है, स्किन में एक बहुत अच्छा ग्लो भी लाता है और ब्राइटनिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल है. एंड देन यहाँ पे है मेरे पास टमाटो. तो टमाटो जूस यूज़ किया जाता है अगर आप अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहते हो, ब्राइट करना चाहते हो, स्किन में कोई आप नहीं चाहते कि कोई ऐसी इम्प्योरिटीज़ दिखाई दें, मतलब क्लीन, बेसिकली आप बहुत अच्छे से आपका फेस बहुत फ्लॉलेस फेस चाहते हो. तो मैं यहाँ पे फेस पैक बनाने वाली हूँ इन तीनों को यूज़ करके. मैं हनी मोस्टली डेली बेसिस पे यूज़ करने लग गई हूँ क्योंकि मेरे को रिजल्ट आया. इवन मैं बहुत जल्दी चैलेंज भी काइंड ऑफ आई टुक 15 डेज चैलेंज करके मैंने लिया है हनी को. मैं डेली अप्लाई करती हूँ और आज वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज भी आपके सामने मैं अप्लाई करूँगी. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हनी लूँगी और मैं इसको अपनी बॉडी पे भी लगाती हूँ, इस फेस पैक को. तो मैंने एक स्पून हनी लिया है यहाँ पे. आप डायरेक्ट हनी को लेमन के साथ भी मिक्स करके लगा सकते हो. और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ यहाँ पे टमाटो जूस. आप इसके पल्प भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टर्मरिक. तो अगर आपको रॉ टर्मरिक मिलती है तो आप उसका पाउडर बना लो, नहीं तो घर में जो यूज़ होती है मैं तो वही यूज़ कर रही हूँ. एंड फिर इन तीनों चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है. तो रेडी है आपका फेस पैक, जो आपको आपके फेस या बॉडी पे दोनों जगह लगा सकते हो. फेस के साथ साथ आपकी बॉडी भी बहुत स्मूथ, क्लीन, ब्राइट होनी चाहिए, तो इसलिए मैं बॉडी पे भी लगाऊंगी. वैसे मैं अपने लेग्स पे भी अप्लाई करती हूँ जब मैं ये पूरा प्रोसेस फॉलो करती हूँ, क्योंकि लेग्स भी ब्राइट होनी चाहिए आपके. तो अभी मैं सिर्फ आपको शो करने के लिए मैंने अपने हैंड्स पे पूरा अच्छे से अप्लाई कर लिया ये फेस पैक. ये बहुत ही अमेजिंग फेस पैक है. अगर वीक में आप दो बार लगाते हो तो आपको विद इन अ मंथ बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा एंड पिंपल्स भी काफ़ी कम हो जाएंगे आपके, ना, क्योंकि जो हल्दी होती है वो एंटीबैक्टीरियल का वर्क करती है. तो आपको इसे 15-20 मिनट रखना है क्योंकि ये काफ़ी लिक्विडी है तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. और उसके बाद आपको सिंपल प्लेन वाटर से वॉश करना है. तो मैं 15 मिनट्स रखूंगी एंड देन आई विल बैक. सो आई हैव वॉश माय फेस और स्किन पे एक बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है, नो मेकअप ग्लो आप कह सकते हो, और एक ब्राइटनेस आ जाती है जो इंस्टेंटली आपको दिखाई देगी. तो अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले तो आपको इस फेस पैक को वीक में 2-3 बार लगाना है. और आपको ऐसा लगता है यार हल्दी लगाने से मेरा फेस येलो होगा, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि हल्दी आपके फेस पे कोई स्टेन नहीं छोड़ती, थोड़े टाइम के बाद वो चली जाती है थोड़े से. तो आप रात के टाइम पे ये फेस पैक अप्लाई करो और सुबह तक अपना फेस वॉश कर लो नॉर्मली, तो आपको ऐसा कोई स्टेन नहीं दिखाई देगा और विजिबली आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे विद इन 15 डेज के अंदर अंदर, बहुत ही अच्छे रिजल्ट. सो आपको जब ये फेस पैक अप्लाई कर लेते हो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मॉइस्चराइजिंग या फिर हाइड्रेशन, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन और ज़्यादा हेल्दी और ब्यूटीफुल लगे, ब्यूटीफुल स्किन चाहिए. तो सबसे पहले बॉडी के लिए, बॉडी को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए फेस के साथ साथ. तो सो बॉडी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये वाओ स्किन साइंस का Amazon रेन फॉरेस्ट कलेक्शन. सो ये एक न्यू कलेक्शन आया है. इस कलेक्शन में आपको बहुत सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. तो मैंने ये Amazon से लिया है और ये है एक बॉडी बटर. सो आई लव दिस बॉडी बटर. ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है. लुक एट द पैकेजिंग. आई स्मेल्स लाइक हेवन गाइज. आई एम टेलिंग यू, अगर आप इसे लगा लेते हो तो आई डोंट थिंक सो यू नीड टू अप्लाई एनी परफ्यूम और डियो. सो ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है और बिल्कुल भी चिप चिप नहीं है, मतलब ऐसे स्टिकी नहीं है.
सो मैं इसे अपने बॉडी पे अप्लाई करने वाली हूँ। मैं इसे रब करूँगी ऐसे और उसके बाद एक अच्छे अमाउंट में मैं इसे मसाज करूँगी, तो ये एक बहुत अच्छा ग्लो भी देगा आपकी बॉडी को और ये काफ़ी देर तक आपके हैंड्स और लेग्स जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हो उसे बहुत हाइड्रेट करेगा और सॉफ्ट बनाएगा। सो ये बॉडी बटर में कोई भी पैराबिन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, कोई भी कलर नहीं है। ये 100% वेगन है, क्रुएल्टी फ्री है और नॉन टेस्टेड ऑन एनिमल्स है गाइज। और ये एक लश और वेलवेटी सॉफ्ट स्किन प्रोवाइड करता है जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसके अंदर है शिया बटर, सेसमे बटर, कोकोआ बटर और आलमंड ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, अमेरिकन आर्गन ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, लाइक व्हाट नॉट। आपको बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को बहुत ही लश एंड वेलवेटी सॉफ्ट बना देता है। और ये आपको ईजिली अवेलेबल है अमेजोन प्राइम पे भी और आवर स्किन साइज की वेबसाइट पे। तो इनके जो लिंक्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। आई लव माई स्किन, लाइक स्मेल सो अमेजिंग। मुझे इसकी स्मेल बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है यार। मैं इसके और भी प्रोडक्ट ट्राई करूंगी बहुत ही जल्दी। सो या उसके बाद आती है बारी आपके फेस को हाइड्रेट करने की, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप कोई भी फेस सीरम या फेस मॉइस्चराइजर ले सकते हो जो आपका फेवरेट हो। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एक फेस सीरम, जिस टाइप का आपको सूट करता है। एंड बाय द वे ये वाव स्किन साइंस का जो बॉडी बटर है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। ओके, तो फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं अंडर आइज को भी बिल्कुल फॉरगेट नहीं करती हूँ। एंड आई थिंक अगर आपको आपके सेंसिटिव अंडर आइज हैं, मेरी बहुत थिन स्किन है, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई अंडर आई क्रीम या सीरम यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ और आपको अपने रिंग फिंगर की हेल्प से हल्का सा मसाज दे के वहाँ का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके डार्क सर्कल्स कम होते हैं। सो या गाइज, दैट वॉज इट फॉर द टूडेज वीडियो। आई होप आपके लिए मेरा स्किन केयर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो इस अमेजिंग से बॉडी बटर को बाय करने के लिए, तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक पे, जिसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइज, बाय।